मैंने सोचा कि आपको जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी का ओवरव्यू बता दिया जाए। जो आज चीजें बताऊंगा ये हैं तो बहुत सिंपल, आपको पता होंगे क्योंकि ये इंटर लेवल की है, लेकिन इसको बताने का मकसद ये है कि कल से हम इंशाल्लाह ताला कार्डिक आउटपुट या CVS का जो भी फिजियो है, ECG कार्डिक साइकिल, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जो टर्म्स मैं आपको आज बताऊंगा, जो बेसिक टर्म्स, तो ये उसमें बार बार यूज होती है। तो मैं नहीं चाहता कि जब हम ECG पढ़ रहे हो तो ECG के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने के बजाय बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर जी ये बेसिक चीजें कोई आ जाए उसमें से, वो पूछ ले कि सर जी ये चीज क्या होती है, ये एट्रो वेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, ये SA नोड, AV नोड, ये चीजें क्या होती हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल थिक क्यों होती है, या इस तरह की क्वेश्चंस मैं नहीं चाहता कि उस वक्त पूछें। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपके पहले से क्लियर होंगे, तो फिर भी मैं एक बार पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि चीजें आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रह जाए। तो जब हम कोई मेन टॉपिक पढ़ रहे हो तो हमारा फोकस उसके ऊपर, ठीक है। चलें जी, मूव करें अपने आज के टॉपिक की तरफ, ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आपके CVS में हार्ट भी शामिल होती है और ब्लड वेसल्स भी शामिल होती है। हम दोनों को देखते हैं क्या होता है। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, और ये सिर्फ आपका जो हार्ट होता है, ये देखें सिंपल सी चीज है कि ये आपका हार्ट है, ठीक है। उसमें आपका हार्ट जो है ना, ये ब्लड को पंप करता है आपके पूरे जिस्म में, और पूरे जिस्म से ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई देती है और वापस आपके दिल में वापस लेके आती है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज। तो ये जो ब्लड जाता है, ये ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपके टिश्यूज को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, और टिश्यू से क्या लेता है, CO2, और CO2 लेके फिर ये आता है, फिर लंग्स की तरफ जाता है ताकि उसको ये साफ कर सके दोबारा से ब्लड को, ठीक है। और उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों दोनों से सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं ब्लड में? वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, क्योंकि देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी GIT हो गई, वहां पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं ब्लड में, ठीक है। ये ब्लड है, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स आ गए, और ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? लंग्स से। लंग्स से क्या ले लिया इसने? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों, ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पूरे उसको सप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द टू लंग्स इन द मेडिस्टेनम। ये मैंने कल बताया था कि ये हमारे दो लंग्स होते हैं, तो दो लंग्स के बीच में यहाँ पे आपका हार्ट तिरछी शक्ल में पड़ा होता है, ठीक है। और ये मिडल मेडिस्टेनम होती है, यहाँ पर आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ फोर चैम्बर्स, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन द एट्रिया। वो कहता है जो वेंट्रिकल्स की जो, ये देखें ये आपके एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स, तो जो वेंट्रिकल्स की लेयर होती है ये वाली, ये थिकर होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। क्यों? वो तो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ने थ्रो करना होता है, राइट ने तो नहीं करना होता। देखें, वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, देखें इसमें क्या है कि आपके जो एट्रिया होते हैं, इन्होंने ब्लड फेंकना इधर ही वेंट्रिकल्स में, तो इनको कम फोर्स चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो कम सी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को भेज देते हैं। लेकिन आपको जो राइट वेंट्रिकल है उसको भेजना पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, है ना, इसको लंग्स में भेजना पड़ता है। तो लंग्स में भेजने के लिए ये थोड़ा इसको जरा फोर्स चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि लंबा रास्ता हो जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा फोर्स के साथ भेजना पड़ता है पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, आपकी पूरी बॉडी में इसको भेजना पड़ता है। तो व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वाल ऑफ योर हार्ट? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और क्यों स्ट्रांग होती है ये मैंने बता दिया, क्योंकि उसको पूरी फोर्स के साथ पूरी बॉडी को जो है ना वो ब्लड भेजना पड़ता है। द फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ द हार्ट डिपेंड्स अपॉन द मसल्स, कि अगर मसल्स की थिकनेस ज्यादा है तो कंट्रेक्शन भी ज्यादा होगी और ब्लड की फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी फोर्स। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट ये क्या होती है? राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज टू चैम्बर्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चैम्बर। आपका जो राइट एट्रियम का प्रेशर होता है ये कम होता है, और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसकी निस्बत हार्ट की कौन सी साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है? लेफ्ट साइड पे। ये कौन सी साइड है? राइट साइड है,
तो राइट साइड में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, और लेफ्ट साइड में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. इट हैज नॉट इट इट हैज गॉट द इट हैज गॉट द पेस मेकर. इसमें पेस कौन सा पेस मेकर, नोन एज द एस ए नोड. अब ये इसको देखें, आपका जो राइट एट्रियम होता है इसके ऊपर यहां पर, यहां पे क्या होता है आपका, एस ए नोड होता है. इसको पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करता है. यहां से इंपल्स पैदा होगी, ये ऑटोमेटिक इंपल्स पैदा करता है, ताकि आपके फिर पूरा दिल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी मदद से, उन इंपल्सेस की मदद से. ठीक है, और कहां पे गया, प्रोड्यूसेस कार्डियक इंपल्सेस एंड एवी नोड एट्रीवेंट्रिकल नोड दैट कंडक्ट्स द इंपल्सेस टू द वेंट्रिकल्स. और यहां बीच में क्या होता है आपका, एवी नोड होता है. यहां पर आपका क्या होता है, एवी नोड. अब यहां से जो इंपल्स एस ए नोड से पैदा होती है, पहले ये किस में जाती है, आपके एट्रिया में, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, फिर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा के इसका जो पासिंग रोड होता है वो क्या होता है आपका, एवी नोड. फिर ये एवी नोड से कंडक्ट करती है, पास करती है. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका एवी नोड भी इंपल्स क्रिएट करता होता है, एवी नोड भी इंपल्स क्रिएट करता, लेकिन एस ए नोड ज्यादा फोर्स के साथ, इनकी एक मिनट में 60-80 टाइम्स जो है ना ये इंपल्स क्रिएट करता है, लेकिन आपका जो एवी नोड होता है ये 40-60 टाइम्स एक मिनट में जो है ना इंपल्स क्रिएट करता है. इसकी क्रिएट करने के बाद अपनी ब्रांच के जरिए अगर इसको सप्लाई नहीं हो रही, एस ए नोड काम नहीं करेगा, तो अगर एस ए नोड काम नहीं करेगा तो क्या आपका दिल बंद हो जाएगा, उसकी ब्रैडीकार्डिया उसको हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है वो किसके जरिए हो रही है, नोड के जरिए. अब उसकी कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, एवी नोड करा रहा है. ठीक है, तो अगर आपका एस ए नोड काम करना छोड़ दे, फिर कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, एवी नोड कराएगा. राइट एट्रियम रिसीव्स वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वी हैड टू लार्ज वेन्स सुपीरियर वेना कैवा दैट रिटर्न्स वेनस ब्लड फ्रॉम द हेड नेक एंड अपर लिम्ब. इसमें कोई समझाने वाली बात है, सिंपल सी बात. इंफीरियर वेना कैवा दैट रिटर्न्स वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू राइट एट्रियम में डालता है. राइट एट्रियम कम्युनिकेट्स विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व. Venous blood from the right atrium enters the right ventricle through this valve. From the right ventricle, the pulmonary artery arises. It carries the venous blood from the right ventricle to the lungs. In the lungs, the deoxygenated blood is. ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि ये आपका heart है, ठीक है? ऊपर से क्या आता है? Superior vena cava. Superior vena cava. ये किससे blood लेके आता है? आपके head और neck से और अपने वाले part से. और नीचे से आपकी आती है? ये मैंने सही डायग्राम बनाई है? नहीं, कैसे? तिरछी. अब कहां आ गया आपका ब्लड? राइट एट्रियम में. अब जब ये राइट एट्रियम में आपका ब्लड आता है, ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा, नीचे से इंफीरियर वेना कैवा. ब्लड कौन सा है? डी ऑक्सीजनेटेड. कीप इन माइंड, डी ऑक्सीजनेटेड. तो ये ब्लड यहां से, यहां पर कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. सिंपल इंटर वाली चीजें हैं. यहां से ब्लड मूव करके कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में. फिर राइट वेंट्रिकल से क्या राइज होती है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. अब पल्मोनरी आर्टरी में यहां पर कौन सा ब्लड आ चुका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यहां पर जो वाल्व होता है उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व. सेमिलुलर पल्मोनरी वाल्व. सेमिलुलर पल्मोनरी वाल्व. और इसको सेमिलुलर क्यों बोलते हैं? इसको सेमिलुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल जो है ना वो मून टाइप होती है. किसकी तरह की? मून की तरह की, यानी चांद की तरह की, इस तरह की इनकी होती है. तो इनको बोलते हैं सेमिलुलर. हाफ हाफ होते हैं, ठीक है ना? हाफ होता है इसका ना, तो इसलिए इसको सेमिलुलर बोलते हैं कि हाफ की तरह. अब यहां से ब्लड कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड. पल्मोनरी आर्टरी के जरिए किस में जाता है? लंग्स में, ठीक है? जब ये लंग्स में गया तो इसमें क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? लंग्स में. और लंग्स से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन. अब ये लंग्स ऑक्सीजन इसको मिल गई. अब ये इसी को फिर कहां लेके जाएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम में. तो लेफ्ट एट्रियम में यहां से अंदर. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये आपके एट्रिया और ये जो इसकी जो इसके अंदर जो वेन्स या आर्टरीज इसके अंदर जो ब्लड डालती हैं, उनमें भी वाल्व होता है? तो फिर ब्लड जब ये यहां आपके एट्रिया करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड ऊपर क्यों नहीं जाता? वेरी गुड डॉक्टर. क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होता, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज्यादा होता है. ऊपर से प्रेशर. आपको एक मजे की बात बताऊं,
मजे की बात यह है कि आपके जो राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, इसमें जो प्रेशर होता है ये किसकी वजह से होता है? ये इनकी वजह से होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना के जो पीसी से प्रेशर आ रहा था उनकी वजह से होता है, ठीक है। जो इनमें जो वेन्स इसमें डाल रही होती है ब्लड, ये राइट एट्रियम का प्रेशर इसकी वजह से होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स की वजह से होता है, और पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर पीछे पल्मोनरी वेज प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेज प्रेशर क्या होता है? पल्मोनरी वेज प्रेशर ये होता है कि ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन है ना, जो ब्लड लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स से। अब इसी पल्मोनरी, अब जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है वो किसका प्रेशर है? पल्मोनरी वेन का। अब पल्मोनरी वेन के अंदर जाते जाए तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, उन पल्मोनरी कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है उस पल्मोनरी कैपिलरीज के प्रेशर की वजह से पल्मोनरी वेन का प्रेशर होता है, और पल्मोनरी वेन की वजह से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होता है। जो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर प्रेशर होता है वो होता है पल्मोनरी वेज प्रेशर, ठीक है। मजीद पल्मोनरी वेज प्रेशर को हम डिटेल में आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम आपका कार्डिक साइकिल पढ़ रहे होंगे, कार्डिक आउटपुट जब हम पढ़ेंगे। अभी आप, अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीडेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से ये कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन से वाल्व के जरिए? माइट्रल वाल्व के जरिए। फिर यहाँ से ये मूव करेगा किसके जरिए? एओर्टा के जरिए। एओर्टा में कौन सा वाल्व होता है? एओर्टिक वाल्व। यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई, किसको सप्लाई होगा? पूरी बॉडी को। ये सिस्टमेटिकली आपका हो गया, समझ आ गया? ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सिंपल सिंपल तो चीजें हैं भाई, इंटर वाली। बस मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप लोग घर बैठ के रिपीट तो करेंगे नहीं, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई लेक्चर पढ़ाऊंगा तो फिर आप उसमें कोई इसी या कोई भी लेक्चर चल रहा होगा, अब मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज टू चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम इज थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चैम्बर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर लो होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का हाई होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो बहुत आगे लेके जाता है। आपने ईसीजी में देखी होगी कि आपकी क्यू आर एस कम्प्लेक्स बड़ी होती है, जबकि आपकी जो पी वेव होती है वो छोटी होती है। जो पी वेव होती है ये होती है आपके एट्रिया की कंट्रेक्शन दिखा रही होती है कि आपके एट्रिया इतने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो क्यू आर एस होता है ये आपका दिखा रहा होता है कि आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके वेंट्रिकल्स कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स की प्रेशर ज्यादा तो उसकी कॉन्ट्रेक्शन भी, ठीक है। तो ये चीजें देख लें कि एट्रियम की निस्बत वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है और राइट साइड की निस्बत लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद आपके लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद राइट एट्रियम। ये चीज गेन कर लिया आपने, पक्की बात है? हाँ। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स through pulmonary vein, अभी मैंने बताया आपको, this is the only exception in the body where an artery carries venous blood. वैसे तो ये आपने, आपको ये concept पता होगा कि तमाम arteries में oxygenated blood होता है, तमाम veins में deoxygenated blood होता है, लेकिन pulmonary vein में क्या होता है? Oxygenated. और एक और vein भी मैंने पढ़ाई थी fetal circulation में, उसमें भी oxygenated blood होता है। दखमदीन, एक और vein मैंने पढ़ाई थी fetal circulation में, कि नाम तो उसका vein है, umbilical vein, उसमें कौन सा blood होता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था। एंड वेन कैरीज द एट्रियल ब्लड, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिटरल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, मतलब के राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया के बीच, बाकी बाई वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज वेरी थिक। ये मैंने आपको बताया अभी, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द एट्रियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा। सेप्टा ऑफ द हार्ट, ये मैंने एमरी में पढ़ाए हुए आपको, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द फाइब्रस सेप्टम कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये मैंने बताया था कि जब हार्ट आपका बन रहा होता है तो ऐसे सिंपल सी ट्यूब होती है, ठीक है। तो उसके बीच में सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या बनता है आपका? इंटर एट्रियल सेप्टम। वो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम याद है, उनके जरिए आपका इंटर एट्रियल सेप्टम बन जाएगा। और यहाँ बीच में क्या होता है? एंडोकार्डियल कुशन होता है। और ये फिर नीचे से यहाँ पे क्या बन जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाता है, ठीक है। और यही एंडोकार्डियल कुशन ये क्या, यहाँ क्या बनवाता है? ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को भी अलग करता है, और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर मिटरल वाल्व लगाता होता है। याद है चीज़ें, ये बनवाता होता है। तो वो यही बात कर रहा है कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
The upper part of the septum is a membranous part. ये जो septum है ये जो upper part होता है ये क्या होता है membranous, whereas the lower part of it's muscular in nature. ये इसकी बात कर रहा है interventricular. मैंने बताया था ना ये क्या होता है muscular, ये क्या होता है membranous ऊपर वाला. ठीक है तो ये देखें वो सारा बता रहा है दे आप इसकी anatomy physio जो भी है इसकी याद कर लें. Right atrium, left atrium, left ventricle, राइट वेंट्रिकल. ये देखिए इसकी वाल थिक है, इसकी थोड़ी थिन है, और इनकी देखें एट्रिया की निस्बत क्या है थिक है. ठीक है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व इस तरह का, और ये बाइकस्पिड वाल्व आपका. ठीक है और ये राइट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी वाल्व हो गया ये वाला, और ये एओर्टिक वाल्व हो गया. और ये तो बाकी आपको अच्छे से पता है. ठीक है ये इन्फीरियर वेना कैवा और ये सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से इसमें ड्रेन हो रही है. No. Layers of wall of heart. ये मैंने आपको पहले कल बता दिया था anatomy में, तो मैं इसको एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ. बड़ा हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ द टिश्यूज. सबसे यहाँ पे थोड़ा अजीब गरीब लिखा हुआ है. ठीक है इसमें जो ना फिजियो में थोड़ा, तो anatomy क्या कहती है, anatomy कहती है सबसे आउटर लेयर क्या होती है हार्ट की, ये आपका हार्ट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कल वाली चीजें. सबसे आउटर लेयर क्या होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम. उसके अंदर क्या होती है आपकी पेरिटियल सीरस पेरिकार्डियम. उसके अंदर फिर आपकी क्या होती है कौन सी विजरल पेरिकार्डियम. और सीरस विजरल और पेरिटियल पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी. इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो उसकी लुब्रिकेशन को हेल्प आउट करता है. और मैंने कहा था फिर क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपका जो विजरल पेरिकार्डियल लेयर है ये वाली, ये आपकी हार्ट की सबसे आउटर लेयर भी होती है. इसका नाम क्या होता है एपिकार्डियम. फिर एपिकार्डियम के अंदर क्या होती है मायोकार्डियम. मायोकार्डियम के अंदर हार्ट की लेयर होती है वो क्या होती है एंडोकार्डियम. तो हार्ट के लेयर्स तीन है और पेरिकार्डियम के लेयर्स भी तीन है लेकिन वो अलग अलग हैं, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है और ये जो हार्ट की लेयर्स होती है ये हार्ट के वाल की लेयर होती है. ठीक है उसकी जो वाल्स होती है ना हार्ट की उनकी लेयर्स होती है. तो आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम. तो ऑफकोर्स जो बहर वाली है, बहर वाली कौन सी आपकी एपिकार्डियम, उसको पेरिकार्डियम भी बना रही होती है ना. पेरिकार्डियम की तीन लेयर्स होती है बेसिकली उसकी, मैंने डिटेल में बता दिया कि विजरल पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट. इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, आउटर पेरिटियल पेरिकार्डियम, इनर विजरल पेरिकार्डियम पेरिलेयर. द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल स्पेस एंड इट कंटेन्स अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड. और पेरिकार्डियम की सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो याद रखिएगा. मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए मायोकार्डियम के बारे में क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा आपके हार्ट की कंट्रेक्शन में, इसीजी में, इसको गौर से सुनिएगा. मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट. मिडल लेयर होती है, मैंने बताया था आपको तीन वॉल्स होती हैं, सबसे आउटर एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंड और सबसे थिक कौन सी होती है मायोकार्डियम. एंड इट इज फाउंड बाय द कार्डियक मसल फाइबर्स और कार्डियक मायोसाइट्स. इसमें कार्डियक मसल सेल्स, मायोकार्डियम फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट, ये उसका बड़ा हिस्सा बनाती है. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. उसको जो पंपिंग एक्शन होता है ना हार्ट जो पंप करता है उसकी कंट्रेक्शन में. तो आपसे अगर कोई पूछे तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप बताएं उसकी कौन सी वाल्व उसमें इन्वॉल्व होती है, मायोकार्डियम. ये भी एक किस्म की एक्सक्यूज है सिंपल सी. ठीक है मायोकार्डियम इन्वॉल्व होती है. अनलाइक स्केलेटल मसल्स मसल फाइबर द कार्डियक मसल फाइबर्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर. और ये क्या होते हैं आपको पता है, इनवॉलंटरी, थकते नहीं है, काम करते रहते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं. जब इनका दिल चाहे काम किया देन जब दिल चाहे काम रोक दिया. फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, अब कार्डियक मसल्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं. अब मैं नहीं चाहता कि जब फिर वही बात रिपीट करूं तो आप पूछेंगे कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन से मसल करते हैं, क्यों कर रहे हैं. मसल फाइबर्स विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट. तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन कौन के मसल, कौन से मसल की वजह से होती है, मायोकार्डियल मसल. मसल फाइबर विच फॉर्म पेसमेकर, जो पेसमेकर होता है आपका एसए नोट, वो कैसे बना होता है आपके मायोकार्डियल से. मसल फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम. अब इसका कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम कुछ इसका इस तरह से होता है, मजीद में डिटेल में आगे बताऊंगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सुन लें. यहाँ पे आपका एसए नोड, यहाँ पे आपका एवी नोड, यहाँ से करंट पैदा हुआ इंपल्स, ये यहाँ से मूव करके एवी नोड में आई, फिर एवी नोड से यहाँ से आपका निकलता है बंडल ऑफ हिस, नॉट बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से फिर ये राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट बंडल ब्रांच से फिर यहाँ पर परकंजी फाइबर्स आपके ऐसे, ये परकंजी फाइबर्स, ये तो ये आपका होता है कंडक्टिव सिस्टम. एसए नोड, एवी नोड और आपका ये बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और ये परकंजी फाइबर्स. ठीक है
इस सारे को कलेक्टिव, हाँ इस सारे को कलेक्टिव को हम कहेंगे कंडक्टिव सिस्टम, नहीं इस सारे को ये कंडक्टिव सिस्टम है हमारा, कलेक्टिवली इज कॉल्ड कंडक्टिव सिस्टम। मतलब जो हमारा कंडक्टिव, कंडक्टिव को मतलब चीजों को सिर्फ कंडक्ट करेगा, अपने अंदर से पास थ्रू कराएगा, ठीक है। ऐसे नोड ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, फिर यहाँ से ये कंडक्ट होती है, यहाँ से ऐसे 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 एवी नोड के जरिए से ऐसे एवी नोड भी, जब ऐसे नोड काम नहीं करेगा फिर इंपल्स कौन पैदा करेगा, एवी नोड पैदा करेगा। तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जब आप ईसीजी पढ़ेंगे मैं इसको डिटेल में इंशाल्लाह ताला सही करके पढ़ाऊंगा कि ये होती कैसे है, क्या होती है। तो यहाँ से जब इंपल्स आती है ना, तो ये ऐसे नोड जब इंपल्स पैदा करते हैं तो पहले इंपल्स जाती है आपके एट्रिया के पास, और एट्रिया जब एट्रिया में इंपल्स जाते हैं तो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इंपल्स यहाँ से आगे मूव करके एवी नोड में आती है, और यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकती है। और क्यों रुकती है, क्यों रुकती है, ताकि एट्रिया सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट करो, ये थोड़ा रिलैक्स कर ले, ये ब्लड से भर जाए। फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आती है आपके बंडल ऑफ हिस में, और राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच और प्रकंजी फाइबर के जरिए फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डिटेल में हम इसको देखेंगे, अभी आप बस इसका कंडक्टिव सिस्टम देख लेंगे, ये इसका कंडक्टिव सिस्टम होता है। अभी हम डिटेल में गए तो लेक्चर लंबा, जहाँ इसकी जगह होगी इसको मैं वहीं पे समझाऊंगा, बस 2-3 दिन बाद हमारी ईसीजी स्टार्ट होगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये समझा दूंगा। कंडक्टिव सिस्टम समझ आ गया, ठीक है। तो कंडक्टिव सिस्टम किसका बना होता है आपके, मायोकार्डियल मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी एमसीक्यूज हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। पेसमेकर भी किसका बना होता है, मायोकार्डियम का, और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट कौन होते हैं, मायोकार्डियम से ही होते हैं। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्व, इट इज थिन स्मूथ मेम्ब्रेन, इट इज फाउंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या आपकी एंडोकार्डियम कैसे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स से, ठीक है। और जो आपकी मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक मसल फाइबर या फिर कार्डियक मायोसाइट से लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट, इनर सरफेस को लाइन करती है। ये आपके एक किस्म की एनाटॉमी भी क्लियर हो रही है और सीवीएस का ओवरव्यू सारा क्लियर हो रहा है। एंडोकार्डियम कंटिन्यूज एज ए एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, फिर आपकी जो ब्लड वेसल जो आपको सप्लाई कर रही होती है उसमें आपकी जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है उसका जो वो होता है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो ब्लड वेसल की जो वाल्व होती है ये किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम, ठीक है। वाल्व्स ऑफ द हार्ट ये हमने पहले पढ़ लिया, मैं रीडिंग कर देता हूँ। देर आर 4 वाल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट, 2 वाल्व्स आर इन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। जब लव्स है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, कौन कौन से वाल्व आ गए, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व तो होता ही ट्राइकस्पिड है, और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे और मिट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पे। अदर टूज आर द सेमिलर वाल्व्स प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, नेमली सिस्टेमिक एओर्टा, जो एओर्टा पे होगा पल्मोनरी आर्टरी उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, और ये एओर्टिक वाल्व, ठीक है। वाल्व्स ऑफ द हार्ट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, ये तो आपको पता है ना कि वाल्व होते क्यों है, ताकि ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में हो। ये एट्रिया सुकड़ा तो सिर्फ और सिर्फ वो वेंट्रिकल में है, अब जब वेंट्रिकल सुकड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। डू यू रियली नो दैट कि ये बंद कैसे होता है, कौन ये देखें, ये वाल बंद कैसे होते हैं, ये देखें खुला हुआ है ना ट्राइकस्पिड वाल। जब आपका ये वेंट्रिकल सुकड़ेगा, जब वेंट्रिकल सुकड़ेगा तो ये दोनों ऐसे ऊपर की तरफ जर्क करते हैं दोनों ऐसे, और यहाँ पे आके बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके वाल के जो हार्ट होते हैं वो मतलब होते हैं, फिर ऐसे जाके बंद हो जाते हैं। ये हम इंशाल्लाह ताला इसको कार्डियक साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तब तक बंद रहते हैं जब तक आपके एट्रिया एज ए रिजर्वायर टैंक काम करते रहते हैं, उनमें ब्लड भरता रहता है। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्चर होगी तो इसमें जो प्रेशर होता है ना वो इसके प्रेशर से बढ़ जाता है, वेंट्रिकल के प्रेशर से। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो जब इधर से प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी से ये वाल्व खुल जाएगा। ये इसको हम कार्डियक साइकिल में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कितना प्रेशर होता है, कैसे बढ़ता है। बाकी ये खुल जाएगा और ये खुला रहेगा जब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। फिर जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो अब इसका प्रेशर बढ़ेगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, इधर प्रेशर कम होगा, तो ये जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, तो जब ब्लड वापस जाएगा तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ये तब तक बंद रहते हैं जब तक ये प्रेशर इसके प्रेशर से ज्यादा होता है। फिर जब इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये फिर खुल जाएंगे, ठीक है। ये डिटेल में इंशाल्लाह हम कार्डियक साइकिल में इसको हम 2-3 दिन बाद हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे 2 दिन बाद, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व
left atrioventricular valve is otherwise known as the mitral valve or bicuspid valve. It is found by the two valvular cusps or flaps. इसपे दो cusps होते हैं इसलिए इसको bicuspid बोलते हैं. Right atrioventricular valve is known as the tricuspid valve and it is found by the three cusps. इसमें flaps होते हैं. Cusps of the valves are attached to the papillary muscle by means of. अच्छा इसका पता है आपको? ये आपका एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे आपका क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे क्या होते हैं? कॉल्डे टेंडाने, और कॉल्डे टेंडाने के जरिए यहाँ पर क्या होते हैं? पेपिलरी मसल्स. क्या होते हैं? पेपिलरी मसल. अब ये इस तरह आपका जो मेट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, वो इस तरह जुड़े हुए होते हैं. अब इन पेपिलरी मसल, इनका काम क्या होता है? पेपिलरी मसल्स का, ये आपकी कुलेयर में काम आते हैं. जब इधर प्रेशर बढ़ेगा ना और ये ब्लड ऊपर देना चाहेगा, तो ये पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको जल्दी से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं. तो पेपिलरी मसल्स का काम ये होता है कि आपके ये वाल्व को क्लोयर, उसी क्लोयर में काम आता है, उसको बंद करवाते होते हैं. ठीक है, आसान से है ना? आसान से है ना? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, मैंने इसलिए तेज रखी हुई है क्योंकि ये इंटरवल कॉन्सेप्ट से, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये वाइंड अप हो जाए. ठीक है, पेपिलरी मसल्स अराइज फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द वेंट्रिकल्स. What is called, डॉक्टर शेरा का क्वेश्चन है कि what is called टेंडाने. तो ये यहाँ पर आपके मेट्रल वाल्व और मेट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये कॉल्डे टेंडाने के जरिए आपके पेपिलरी मसल के साथ लगे होते हैं. तो कॉल्डे टेंडाने एक स्ट्रक्चर है जो इसको मेंटेन करती है, इनके दरमियान एक चैनल के तौर पर काम करती है जो आपके वाल्व को पेपिलरी मसल के साथ कनेक्ट कराती है. तो वो आपके क्या होते हैं? कॉल्डे टेंडाने होते हैं. ठीक है, हाँ वो एक स्ट्रक्चर है जो इसको मतलब के अटैच करवाती है. ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? पेपिलरी मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कुलेयर ऑफ कस्प्स एंड इन द प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड वापस जाना चाहता है. जल्दी से पेपिलरी मसल्स आपके जो वाल्व होते हैं उनको बंद करा देगा. जी हाँ, पेपिलरी मसल्स, हाँ मसल्स के होते हैं, मसल फाइबर्स के. एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स ओपन ओनली टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया. सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व्स आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द सिस्टेमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज एंड आर आल्सो नोन एज एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व रेस्पेक्टिवली. बिकॉज ऑफ द हाफ मून शेप दीज टू वाल्व्स आर कॉल्ड सेमिलुनर वाल्व्स. सेमिलुनर वाल्व्स आर मेड अप ऑफ ट्राइकस्पिड होते हैं. सॉरी, मैंने वो असल में कहना यह था, पीछे मैं कह गया था कि ओनली मेट्रल वाल्व इज बाइकस्पिड वाल्व और बाकी तीन वाल्व क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड. मैं कह ये गया था कि सिर्फ आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, जो मेट्रल वाल्व होता है वो बाइकस्पिड होता है, उसमें दो कस्प होते हैं, बाकी तीनों जो वाल्व होते हैं उसमें क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड. और सेमिलुनर वाल्व आपके ब्लड वेसल्स में भी होते हैं. कौन सी ब्लड वेसल्स में होते हैं? वेन्स में. वेन्स में आपके सेमिलुनर वाल्व होते हैं. ठीक है, उसका बैक फ्लो नहीं होने देते. सेमिलुनर वाल्व्स ओपन ओनली द डायरेक्शन प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ इंटरवेंट्रिकल्स. ठीक है, तो समझ आ गया. ये देखें ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये कॉल्डे टेंडाने और ये आपके पेपिलरी मसल लगे हुए हैं. ये देखें पेपिलरी मसल, जो कॉल्डे टेंडाने और ये पेपिलरी मसल, ये कॉल्डे टेंडाने, कॉल्डे टेंडाने, ये पेपिलरी मसल. ठीक है, ये देखें ट्राइकस्पिड के कितने कस्प हैं और बाइकस्पिड के कितने कस्प हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लें. ये एक्शन ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये बच्चों को फिर पता नहीं होता क्या होता है. फोर टाइप्स ऑफ एक्शन होते हैं आपके हार्ट के. सबसे पहला है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन. ये क्या होता है? क्रोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है? फिर आगे मैं सिर्फ टर्म यूज करूंगा, जब मैं कुछ ही पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा क्रोनोट्रॉपिक, तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. क्रोनोट्रॉपिक एक्शन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट ऑफ हार्ट रेट. कि आपका हार्ट रेट कितना ज्यादा, अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा है इट डज मीन दैट पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक है. हार्ट रेट ज्यादा है, अगर मैं कहूं कि उसका हार्ट रेट 72 से बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, 80 से ऊपर जा रहा है, तो मैं कहूंगा जब जैसे ही मैं वर्ड यूज करूं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव, तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इसका हार्ट रेट बढ़ गया, 75 से ऊपर बढ़ गया, इसको एट्रियल कार्डिया की तरफ जा रहा है. पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब इसका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, यानी टैकीकार्डिया हो गया और इंक्रीज इन द हार्ट रेट. अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इसका जो हार्ट रेट है वो 72 से गिर रहा है. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका, देखिए पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको टैकीकार्डिया हो गई.
पॉजिटिव क्रोनोटॉपिक का मतलब यह है कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, 72 से ऊपर जा रहा है, और जब ये 100 से ऊपर चला जाए नो इट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। और नेगेटिव क्रोनोटॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेडिकार्डिया होगी, इट डज मीन दैट कि आपका हार्ट रेट 72 से कम जा रहा है, और जब 60 से नीचे जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब पॉजिटिव क्रोनोटॉपिक बोलूं इट डज मीन दैट कि हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ रहा है, और जब मैं बोलूं नेगेटिव क्रोनोटॉपिक इट डज मीन दैट कि हार्ट रेट कम है। तो ये कांसेप्ट समझ आ गया क्रोनोटॉपिक एक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एनोट्रॉपिक एक्शन। अब एनोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एनोट्रॉपिक एक्शन। अब आपका हार्ट किस कंट्रैक्शन के साथ, किस फोर्स के साथ कंट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसकी जो, अब देखें दो अलग टर्म है, हार्ट रेट है मतलब एक मिनट में कितनी दफा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, और कितनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर फोर्स उसकी देखिए, अगर उसकी फोर्स है 5 और अब मैं कहता हूं उसकी फोर्स है 7, यानी अब फोर्स उसकी बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है, ये होता है आपका इनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी उसकी जो कंट्रैक्शन की जो फोर्स है वो किस फोर्स के साथ ब्लड को भेज रहा है, वो आपका होता है इनोट्रॉपिक इफेक्ट। अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एक्शन इट डज मीन दैट इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, 5 से 7 हो गई है। अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब कि वो नॉर्मल जिस फोर्स से फेंक रहा था अब 4 की फोर्स है, लेट्स सपोज मैंने फर्ज किया ये एक फोर्स मैंने बताई है कि अगर हम बात करें हार्ट बीट की कि एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है नॉर्मल है, 75 बार नॉर्मल है, अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव तो मतलब एक मिनट में ये ज्यादा बार धड़क रहा है, ये पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक है। बात है इनोट्रॉपिक की, तो वो मतलब है फोर्स कि किस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को किस फोर्स के साथ भेज रहा है, वो आपका इनोट्रॉपिक होता है। तो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक मतलब फोर्स बढ़ रही है, नेगेटिव इनोट्रॉपिक मतलब फोर्स कम हो रही है। ठीक है, ये टर्म भूलेगी, ये टर्म भूलेंगी, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगी। ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रॉपिक होता है कि ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन इज द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, कि वो उसकी जो मैंने अभी जो कंडक्टिव सिस्टम बनाया है, एस ए नोड, एवी नोड, मंडल ऑफ हेस, राइट मंडल ब्रांच, लेफ्ट मंडल ब्रांच और प्रकंजी सिस्टम, कि इसमें देखें इसमें किस स्पीड के साथ, अब एक गाड़ी चल रही है यहां से गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक और गाड़ी चल रही है मैं कहता हूँ उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक और गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, 50 किलोमीटर पर सेकेंड वाली। और अगर स्पीड बढ़ रही है इसके अंदर जिस तेजी से इंपल्स गुजर रही है, अगर इंपल्स गुजर रही है तेजी से, ये आपका पॉजिटिव ब्रोमोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, और इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन, जो इंपल्स कंडक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज आपका पॉजिटिव ब्रोमोट्रॉपिक एक्शन। और नेगेटिव ब्रोमोट्रॉपिक एक्शन, नेगेटिव डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन, अब ये 20 पे चला जाएगा, अब 20 किलोमीटर यानी उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। तो समझ आ गया ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, इनोट्रॉपिक एक्शन और क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, नहीं समझ आया तो बस ये देख लें कि क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में आपकी हार्ट बीट है, इनोट्रॉपिक एक्शन में आपका आपकी फोर्स है, और आपके ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन में आपकी स्पीड है, कंडक्शन स्पीड है। ठीक है, नीचे है आपका बैथमोट्रॉपिक एक्शन। बैथमोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है, इज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, कि जब कार्डियक मसल को हमने एक्साइट करना है, उसको हमने बोलना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, तो वो कितनी जल्दी से एक्शन पोटेंशियल गेन कर लेते हैं, कितनी जल्दी से एक्साइट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैथमोमेट्रिक एक्शन। अगर पॉजिटिव बैथमोमेट्रिक एक्शन है इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, कि वो जो एक्साइटेबिलिटी उनकी हो रही है वो जल्दी हो रही है। ठीक है, और जो नेगेटिव बैथमोट्रॉपिक एक्शन है मतलब उसकी एक्साइटेबिलिटी उसकी कम हो रही है। अब हम ये एक्साइटेबिलिटी कैसी होती है, कब होती है, ये हम इंशाल्लाह ताला हम ECG के स्टार्ट में हम देखेंगे मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में ये कैसे होते हैं, तो वहां पर ये चीजें यूज होंगी। तो मैंने कहा कि आपको बेसिक टर्म पहले बता दूं मैं, ये चारों समझ आ गई है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनोटॉपिक मतलब आपके हार्ट बीट, इनोट्रॉपिक मतलब आपकी फोर्स, और आपका ड्रोमोट्रॉपिक मतलब आपकी कंडक्शन स्पीड, और बैथमोट्रॉपिक मतलब आपकी एक्साइटेबिलिटी। याद हो गया ये, चलो जी आगे बढ़े। ब्लड वेसल्स, ये तो आपको पता है, वेसल्स ऑफ सर्कुलेट सिस्टम आर एओर्टा, आर्टरीज। अच्छा ये देखें, ये आपको बता दूं, सबसे पहले एओर्टा होते हैं, एओर्टा फिर जब डिवाइड होता है तो फिर क्या बन जाती है, आर्टरीज, फिर जब मजीद डिवाइड होते हैं तो क्या बन जाते हैं, आर्टरियोज, फिर आर्टरियोज मजीद डिवाइड होते हैं क्या बन जाते हैं, कैपिलरीज। सबसे स्मॉल वेसल्स इन योर बॉडी आर दी कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, वेन्स, और वो कौन सी वेन्स होती हैं, स्पिंडल वेन, क्या वेन,
Aorta and arteries, arterial blood vessels are highly susceptible for the arteriosclerosis. अब इनमें कौन कौन सी मतलब की प्रॉब्लम आ सकती है, इनमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? आपकी आर्टरीज में दो चीजें आ सकती हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज द डिजीज ऑफ आर्टरीज एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग, थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल ऑफ द वेसल्स। ये हार्ड हो जाती है, क्या हो जाती है? हार्ड। ये देखें, ये आपकी लेग्स क्लोज ब्लड वेसल है ना, इसमें क्या होगा अगर जो चीज, अब आपने जो ना एक ग्लोल बनाया है उसको ना, उसकी आपने रबड़ पतला रखा है, बारीक सा रखा है, अगर उसका रबड़ बारीक सा है तो वो मतलब कि ज्यादा उसकी जो वो होगी, ज्यादा होगी इलास्टिसिटी, क्या होगी उसकी? अगर आप एक भारी सा रबड़ रखें उसको खींचे, इलास्टिसिटी कम होगी। तो यही चीज है, आपकी आर्टरीज की वैसे होती है बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि इनमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो। जब इनमें ब्लड ज्यादा है तो इनकी इलास्टिसिटी हो, ये इस तरफ खींच जाए, डायलेट कर जाए ताकि ब्लड इनमें भर सके। तो ये आपकी होती है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आर्टरीज की जो वेसल है ये थिक हो जाती है ऐसे, अब इनकी थिकनेस बढ़ गई है, इनकी थिकनेस बढ़ गई। जब इनकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो क्या अब इनकी इलास्टिसिटी वही वाली होगी? नहीं। अब अगर रबड़ एक भारी है, वो उसकी वो मोटा है, तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात समझ आई है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। ऑफकोर्स जब थिकनेस बढ़ेगी तो हार्ड हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, ठीक है। अब ये होती है आपकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। अब इसमें भी आपका ल्यूमन जो है ना वो कम पड़ गया है, लेकिन किसकी वजह से? आपकी जो वेसल्स हैं ये क्या हुई है? थिक हुई है, इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। अब जो आपकी वो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें क्या होगा? उसमें ये आपकी वेसल्स हैं, उनमें ना यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाते हैं, प्लैक फॉर्मेशन होती है, आपके ब्लड क्लॉट वगैरह सारे वो वहां पे बन जाते हैं, यहाँ पर प्लैक फॉर्मेशन। तो आपका अब जो ल्यूमन है वो क्या हो गया है? ये देखें, ये भी नैरो पड़ रही है, ये भी नैरो पड़ रही है, इलास्टिसिटी अगर बात है। फिर आप आर्टेरियोस देखें, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये हाँ, आपकी जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ये भी बेसिकली इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें भी वही कुछ होगा। लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि प्लाक फॉर्मेशन होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपकी वॉल थिक हो जाती है, ठीक है। बस सिंपल सी ये डिफरेंस है, समझ आ गया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और इसमें जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जब प्लाक फॉर्मेशन होगी तो ल्यूमन उसका ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ब्लड फ्लो मतलब उसकी तरफ। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस द डिजीज मार्क्ड बाय द नर्विंग ऑफ लेमन ऑफ द आर्टेरियल वेसल ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसमें क्या है? वॉल्स की थिकनिंग हो रही है, समझ आ गया, उसकी इलास्टिसिटी जा रही है। और अगर इलास्टिसिटी का वर्ड आए और आपसे दो डिजीज पूछी जाए कि ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, आप क्या कहेंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस उसको प्रेफर करेंगे। अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नहीं है तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? अब आर्ट्रियोल्स में क्या प्रॉब्लम आती है? ये थी कॉम्प्लिकेशन आपके एओर्टा एंड आर्टरीज की। अब आर्ट्रियोल्स में क्या, व्हेन द टोन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द आर्टरीज इंक्रीजेस हाइपरटेंशन अकर्स। जब टोन मतलब इनकी रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी, आपके आर्ट्रियोल्स में इनकी रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी, ये आर्ट्रियोल्स थी, इनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, मतलब जो ब्लड फ्लो था उसको अब रोक रहा है ये। जब उसको रोकेगा तो पीछे से आपका जो हार्ट है उसको ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर होता क्या है कि प्रेशर दैट इज क्रिएटेड बाय द हार्ट अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, इनके खिलाफ जो ब्लड के खिलाफ जो वेसल्स के खिलाफ जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अब उसको ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को भेजना पड़ेगा, तो इस तरह आपका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है। ये समझ आ गया है कि ये क्या होता है, ये हाइपरटेंशन अकर्स क्यों होती है आपकी इसकी टून बढ़ जाने से। Here is a question, Khan Samad Khan. Lumen is decreases, is BP is increase? Yes, of course. आपका BP increase हो जाएगा जब उसका lumen जब सुकड़ेगा, तो of course resistance बढ़ जाएगी। जब resistance बढ़ेगी तो फिर blood को जरा force के साथ blood flow करना पड़ेगा, ठीक है। Capillaries, permeability of the capillaries membrane may increase, resulting in shock or edema due to leakage of fluid, proteins and other substances from blood. तो इसमें आपको shock और edema हो जाएगा। Shock और edema क्या होता है? कि आपकी जो capillaries होती हैं ये वैसे परमिएबल होती हैं कि इनसे फ्लूइड बह आता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, हैं कार्बन डाइऑक्साइड बह आती है, ठीक है, ये तो आपको पता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बह आती है। अगर लंग्स में हो तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड
अगर सिस्टम के टिश्यूज में हो तो ऑक्सीजन बह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। अब और इसके अलावा इसमें जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी बह आते हैं परमेबिलिटी के जरिए, ठीक है। आपके जो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस एट द साइट ऑफ इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन जाते हैं वो भी बह आते हैं। अब अगर वो कहते हैं इसमें इसमें परमेबिलिटी हो जाए ज्यादा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए कैपिलरीज की, तो ज्यादा फ्लूइड बह रहेगा, तो अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स आउटसाइड ऑफ द वेसल इज कॉल्ड एडिमा एंड इट विल आल्सो कॉज द शॉक, ठीक है, समझ आ गया। तो वेन्स में इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेन्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रावेस्कुलर क्लॉट कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, द क्लॉट गेट्स डिसलॉज्ड एज अ थ्रोम्बस। देखें जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन आपके वेन्स में होती है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस, उसको थ्रोम्बाई बोलते हैं। और अगर ये वेन में बनी, आपका थ्रोम्बस कभी आर्टरीज में नहीं बनता, आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, वेन्स में क्या होती है आपकी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। अब इसको थ्रोम्बस कहेंगे। अगर ये यहां से मूव करना शुरू हो गया अब ये कहेगा एम्बोलिज्म, एम्बोलाई, ठीक है। ये हमने उसमें पढ़ा था फीटल सर्कुलेशन में, वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई याद है, वो हमने फीटल सर्कुलेशन में नहीं बल्कि उसमें पढ़ा था आपके इंट्रोएट्रियल सेप्टम में, सेप्टेशन ऑफ एट्रियम में हमने देखा था इसको, ठीक है, कि जो आपका एम्बोलिज्म था, जो आपका एम्बोलाई बन रहा था वो वेन्स से। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, आपका जो ये एम्बोलिज्म बनता है ना, ये जो ब्लड क्लॉट, ये बनता है सिर्फ वेन्स में, ये आर्टरीज में नहीं होता। लेकिन पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई में क्या होता है कि आपका ये वाला जो होता है ये एम्बोलिज्म, ये हार्ट के अंदर जाता है, एट्रिया वेंट्रिकल्स, ये कहाँ पे आएगा आपका वेन्स वाला ब्लड, राइट एट्रियम में। तो यहाँ बीच में आपका ये जो सुराख होता है फोरमेन ओवेल, ये पेटेंट रह जाता है, खुला रह जाता है बच्चे में। तो यहाँ से फिर ये एम्बोलाई मूव करके आपके लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर एओर्टा के जरिए आपकी आर्टरीज में आ जाता है, कहाँ जाता है आर्टरीज में, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ये मैंने पढ़ा भी दिया था, इसको मैंने रिपीट भी कर दिया, ठीक है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई समझ आ गया, उनमें होती है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है, उसमें भी होती है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं डॉक्टर शहरयार, उनमें भी होती है लेकिन उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। The thrombus travels through the blood and the causes embolism. Embolism obstructs the blood flow to the vital organs such as brain, heart, and lungs, leading to the many complications. Of course, ये तो उसको रुकावट करेगा। कैसे करेगा? हालांकि veins तो blood लेके आ रही होती हैं। वो कहते हैं ये उनकी तरफ blood flow को रोकेगा। Veins, ये आपका let's suppose आपका brain है। Veins तो brain से लेके आती है ना blood। तो यहाँ पे बना है clot। तो इससे ये क्या फर्क पड़ता है कि इसको सही तरह से ब्लड नहीं जाएगा, क्या इसके पीछे है? देखें देखें यहाँ पर तो प्रेशर ज्यादा है ना, तो जब पीछे से ब्लड आएगा तो ब्लड क्या इधर से, इधर दरवाजा बंद है, हैं? तो ब्लड क्या यहाँ से ऐसे आ पाएगा नहीं, तो इनको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज समझ नहीं आई, नहीं समझ आई? देखें ये आपकी आर्टरीज है, ठीक है, ये आपका कोई भी वाइटल ऑर्गन है, और ये मैं कहता हूँ आपकी वेन्स है, ठीक है, इनमें ब्लड क्लॉट बन गया, थ्रम्बस बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ब्लड जा रहा है तो क्या आगे मूव कर सकेगा? नहीं। जब ये पहले वाला ब्लड ही इधर नहीं जा रहा तो क्या और ब्लड आ सकेगा? ये पहले वाला ब्लड इधर नहीं जा रहा, तो इस तरह उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन, ये वैसे आपको पता है, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, फिर से रिपीट करता हूँ मैं इसको। देखें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड कौन सा, यहाँ से आया इंफीरियर वेना कैवा, ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा, ये किस में गया आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किसके जरिए ब्लड, कौन सा है ये राइट ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है आपका पल्मोनरी वाल्व। अब यहाँ से ब्लड आपका मूव करके गया यहाँ पर लंग में पहुंचा, इसमें CO2 का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये लंग्स में जाता है तो लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। अब चीजें ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगी, अब लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, ये मूव करके किस में आ जाएगी ब्लड में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये मूव करके लंग्स में, अब लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है आई हम सांस लेके इसको बाहर स्प्लिट कर देंगे। अब हमारे ब्लड में यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल क्या है ज्यादा, अब यही ज्यादा ऑक्सीजन लेवल
और ये ब्लड, यही ब्लड न्यूट्रिएंट्स भी लेके आ गया है, कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जस्ट करके आया है, जो चीजें वहां से हमने अब्सॉर्ब करके आया है फूड से, हमने जो कुछ खाया था वहां से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। अब ये यहाँ से आएगा किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए। अब पल्मोनरी वेन के जरिए आके आपके कहाँ पर गया, ये लेफ्ट एट्रियम में। अब ये वाला जो सारा सिस्टम है ये यहाँ से गया, ये सारा यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड आपका कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या कहलाती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम मूव करेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब लेफ्ट एट्रियम कंडक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में जाएगा, आपके योल्टा में, किसके जरिए, योल्टिक वाल्व के जरिए। और यहाँ से ये मूव करता हुआ असेंडिंग योल्टा, फिर ये आर्च ऑफ योल्टा, फिर डिसेंडिंग योल्टा, फिर ऐसे आता हुआ आपके सिस्टेमिक आर्टरीज में, सिस्टेमिक आर्टरीज से ये आपके कैपिलरी बेड में चला गया। यहाँ पर आपका जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम। जो आपके टिश्यूज हैं उनमें क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा और ऑक्सीजन लेवल कम। अब यहाँ से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो यहाँ से ज्यादा है वो मूव करके किस में चली जाएगी, ब्लड में। और यहाँ से जो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा था वो मूव करके टिश्यूज की तरफ। अब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो गया। अब यही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह आपका ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये यहाँ से सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए आपको दोबारा हार्ट में। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये कौन सी है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल इंटर वाली चीजें थी, मैंने रिपीट कर दी ताकि कोई चीज रहना जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये स्टार्ट करने से पहले मुझे कहा था कि सर जी हमें कुछ ऐसा पढ़ाइएगा कि चीजें सही से बेसिक से शुरू से पकड़े, अलिफ से पकड़े, तो कोई चीज रहना जाए। तो कुछ बच्चे होते हैं तो फिर मैंने सोचा कि उनकी चीजें क्लियर हो जाए। रीडिंग कर लेते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज अदरवाइज नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते होते हैं। ब्लड पंप्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स एट्रियल सिस्टम एंड रीचेस द टिश्यूज, एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन। और यहाँ पर वो उसको न्यूट्रिएंट्स भी देगा, यहाँ पर ये इसको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा इसको, हमारे सिस्टम को ना, और इनसे जो वेस्ट है वो भी हमारा ब्लड ले लेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको न्यूट्रिएंट्स भी देगा और वहां से उससे वेस्ट भी लेगा। And tissues occurs at the capillaries after exchange of materials. Blood enters the venous system and returns to the right atrium of the heart. From the right atrium, blood enters the right ventricle. Thus, through systemic circulation, oxygenated blood is supplied from the heart to the tissues, and venous blood returns from the heart to the tissues. Tissues se heart ki taraf aa gaya. Pulmonary circulation is otherwise called lesser circulation. ठीक है. Blood is pumped from the, of course, जो system की तरफ जाएगी पूरी body की तरफ, लंबा system है तो वो greater है. और जो पल्मोनरी है वो सिर्फ लंग्स तक मौजूद है, छोटा है। ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड एल्विओलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो एल्विओलाई अंगूर की तरह के जो गुच्छे होते हैं छोटे छोटे, उनमें एक्सचेंज होता है। एट पल्मोनरी कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन, दस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड आर्टेरियल ब्लड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जी डॉक्टर खान सलामत, अगर ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो ये आपको हो जाती है फैलेट हो जाता है, लेकिन इसको हम उसमें फैलेट ये होता है कि आपका हार्ट सही तरह से डिवेलप नहीं हो पाता, तो फिर आपका वो ऑक्सीजन लेवल मिस रहता है, वो मिक्स होता है। तो ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी आपको सिंपल यहाँ पे बता दिया। तो कोई क्वेश्चन रह गया आपका, सिंपल सा था ना मेरे ख्याल में, सिंपल एफएससी वाली चीजें थी। तो ये वही सर्कुलेशन उसने दोबारा यहाँ पर स्केच की हुई है कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये राइट एट्रियम से यहाँ से वेन्यूल से आपकी वेन्स में, वेन से वेना कैवा, फिर वही चीज, ये उसने वही चीज बताई हुई है, दोबारा रिपीट करने की आई थिंक सो दैट कोई जरूरत नहीं है। तो कोई चीज रिपीट करानी हो आप लोगों ने, बैथमोट्रोपिक एक्शन, ये देखें आसान सा यार बैथमोट्रोपिक एक्शन, कि आपका जो हार्ट के जो कार्डिक मसल्स हैं वो कितने एक्साइट हो रहे हैं जब उनको ऊपर से कोई चीज एक्शन मिलता है। अब उनको पता है उसका मतलब क्या है, बैथमोट्रोपिक मतलब ये है कि ये एसए नोड था, ये एवी नोड था, ये बंडल ऑफ हिस और ये परकंजी फाइबर्स। ठीक है, अब इसने कहा कि कार्डिक जो एट्रिया के मसल्स थे उनको कहा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसने, एसए नोड ने कहा। जब एसए नोड ने इनको करंट दिया तो ये जो मसल थे ये कितना जल्दी एक्साइट हुए उसको पकड़ के, उस करंट को पकड़ के, कि ये करंट में मिला हमने एक्साइट करना, कितना जल्दी एक्साइट हुए, दैट इज कॉल्ड आपका
बैथमा प्रोपेगेशन, या यहाँ से आपके ये जो सिस्टम है ये कितना जल्दी वेंट्रिकल के मसल को, वेंट्रिकल मसल कितना जल्दी ड्यूरेशन वो कितना जल्दी उसको पेक करके कॉन्ट्रैक्ट करना, साइड कितना जल्दी होते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज है कि आपने किसी को जाके बोला कि यार ये लो 500 रुपए, तो 500 रुपए लेने के बाद वो कितना जल्दी खुश होता है, कितना जल्दी एक्साइट होता है, वो मतलब आपका एक्साइटेबिलिटी है, बैकवर्ड ट्रांजिशन। समझ आ गया? कोई सवाल या कोई चीज रह गई हो? चलो जी, सॉरी, देखें डॉक्टर मदीम, कंडक्शन एक अलग चीज है। कंडक्शन है कि स्पीड कितनी है, देखें कंडक्शन है स्पीड ऑफ इंपल्सेस, कंडक्शन इज स्पीड ऑफ इंपल्सेस, कि जो एसए नोड इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्पीड से एसए नोड से एवी नोड में जा रहा है, एवी नोड से बंडल ऑफ हेस से और इस तरफ जा रहा है। और आपकी जो कंट्रैक्शन है वो ये है कि आपकी ये जो बंडल ये जो करंट है ना, ये आपके मायोकार्डियल मसल्स को मिलेगा और मायोकार्डियल मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये है कंट्रैक्शन आपकी, ठीक है। समझ आ गया? तो आसान से था, ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि ताकि आप, अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो जूम पे, किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ रिपीट कराना हो, आई होप सो दैट कि कोई जरूरत रह तो नहीं गई, लेकिन फिर भी ओके। अल्लाह हाफिज, क्लास डिसमिस। समझ आ गया? सॉरी, ये भी है। Thank you.